इला तुहार तनख्वाह और इला 1,00,000 रुपए एडवांस और 10,000 रुपए ठाकुर साहब दिए हैं गौरी के शादी के खाते, रख ला। बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर साहब। इस समय सेठ जी लंदन में होवे, पर गौरी की शादी में छोटे मालिक जरूर पहुंच जाइए। सेठ जी के बड़ी कृपा होवे, आप तो आइबे करब ना। आज शाम के हम दिल्ली जाते हैं, कोशिश करब कि अगले हफ्ता तक आ जाए। कोशिश जरूर करब मैनेजर साहब, आपके अइला से गरीब की इज्जत बढ़ जाए। ठीक बा। अरे गौरी, अरे बचवा गौरी, हम तोके 1 घंटा से खोजत हई। तू कहवा हेराए गेल रहलू हा गमछा बिछाए के? का बात बा कल्लू मामा, का भइल? कोनो मामी मिल गईल बा का, जोने से मिलावे खातिर खोजत बाड़? अरे एक तो महंगाई के जमाने में आपन गुजर बसर भइल मुश्किल बा, ऊपर से मामी लाके कहां से खूंटा में बांधते ही गमछा बिछा के। अरे मामा, सत्यानाश काहे होखे? ये सुगर मिल से तो अगल बगल के 40 गांव के रोजी रोटी चलेला। अरे अरे हाय हाय, इस सुगर मिल, जब से इस सुगर मिल खुलल केहू शहर में जाते नहीं खे। पहले हम लेकर के ले जाके शहर में नौकरी दिलावत रहनी है, हमके कमीशन मिलत रहल है, तो हमार मजा होत रहल है। अब का बताएं, कोई शहर में जाते नहीं खे, हमार किस्मत फूट गई जब से इस सुगर मिल खुलल है। इते राम जी की कृपा हवे मामा, अपने से दूर जाके पैसा कमाई एक अच्छी बात हवे मामा। अरे ठीक बा, सुगर मिल से बहुत फायदा बा, लेकिन सुगर मिल गई तेल लेवे। हम तो यही कहते हैं कि सुगर मिल होवे से हम तो तबाह और बर्बाद हो गई नी ना। देखा चिट्ठी आई हा, शहर से चिट्ठी आई हा, हमके तो तू जाने लू कि हम बिल्कुल बिल्कुल पढ़ल लिखल ना है। तनी तनी बाच दी कि एहमे का लिखल बा, तनी पढ़ी। शहर में तुहार कोनो बैंक अकाउंट बा का? अरे अरे हाँ हाँ हो, एक ठो अकाउंट रहल हा, सन्नो हमरा खातिर खोल ले रहली हा। तोहरे अकाउंट में पैसा कम बा, बैंक से लिख के आइल बा कि अपने अकाउंट पे पैसा न डल बा तो तुहार अकाउंट बंद कर दिहल जाई। ओहो, अरे ना पैसा होके तो ना होके जाए भरसाई में, लेकिन वो अंग्रेजी में चिट्ठी लिख लिख के हमार जिंदगी मुश्किल में तो ना डाले कमछा बिछाई के। हम जाते कल्लू मामा। अरे कहाँ जात हूँ कमछा बिछाई के। खुश रह बिटिया, खुश रह, बड़ा निक कैलू आ गेलो। गौरी ना जाने कई बार तू लगन के पूछलस। का करी मास्टर जी, शहर में बहुत बरसात भइल बा, यही से लेट हो गई। कोई बात नहीं हो बेटा, ब्याह के लगन 4 बजे के बजाय 9 बजे हो गई ला। वो कहे? ई बदे कि बरातिन के बस 3-4 घंटा बाद पहुंची। चला चला। तू लोगन की तो 2 दिन पहले आवे के रहल हा, आ जाइलू हा। ईहे स्कूल के दोस्त से निभावलू हा। जा, हम तू लोगन से बात न करब। अरे यार, हम नौकरी करेला, हमके मालकिन की मर्जी पर चले के पड़ेला। छोड़ा ना गुस्सा थूकता। हाँ गौरी, काफी समय बाबा रात आवे में। अच्छा रही, चला अंताक्षरी खेलल जाए, टाइम पास हो जाए। हाँ हाँ ठीक रही, चला चला चला। आई आई छोटे मालिक। अरे गौरी बिटिया, ही देखा कैलाश बाबू आए लवन। नमस्ते। नमस्ते। वाह बाबूजी के शायद तोहार खूबसूरती के बारे में मालूम रहे, यही से तोहार खूबसूरती में 4 चांद लगावे खातिर इहार भेजले बड़ा। ला इल ले ला बिटिया, ले ला ई जेवर ना, जेवर के रूप में सेठ जी अपन आशीर्वाद भेज ले हवन बिटिया। मास्टर जी, आपके समधी जी आ गए लन। प्रणाम समधी जी। आवल प्रणाम मास्टर जी, क्षमा चाहेली, बरसात के कारण बस आवे में थोड़ी सी देर हो गई। ये तो भगवान का मर्जी है, पर बराती तो कुशल मंगल बाड़ा ना। जी हाँ,
जनवासा में सब लोग तैयार होत बड़न, तब तक सोच ली कि आपसे मिल लें। जनवासे में? अच्छा अच्छा, अब ही हम जलपान की व्यवस्था। वो सब तो ठीक बा, ई बताई कि और सब तैयारी तो ठीक है ना? बरतियन के खाए पिए के व्यवस्था और दहेज का सामान सब तैयार बा। हाँ, वो का है मास्टर जी कि एगो 50,000 रुपया का इंतजाम और कर दे ही बस। 50,000? 50,000? आप तो जानते हैं कि आपके होए वाला दामाद वकालत पढ़ा था, परीक्षा के खातिर दिल्ली जाए के हव, अब खर्चा वर्चा तो लगबे करी ना। वो तो ठीक है समधी जी, बाकी अपने औकात से ज्यादा हम पहले ही कर्जा ले चुकल हैं। इतना बड़ा गांव है तो के 50,000 रुपया के इंतजाम करे में कितना देर लगी? तो का आप चाहत हैं अपनी बिटिया के ब्याह के खातिर हम पूरी गांव भर से भीख मांगी? ऐसन समय में बिटिया के बाप सब कुछ करेला, 50,000 अभी दे सकेला तब बोला, नहीं तब बारात वापस जाई। ऐसन ऐसन मत कहीं समधी जी, ऐसन मत कहीं, गरीब के इज्जत अब आपके हाथ में, हमारी इज्जत के ठोकर मत मारी, इकर लाज रख ली समधी जी, हमार के लाज रख ली। पकड़ी नहीं, हमके पैसा चाहिए। इस सच हो कि जब लड़की पैदा होली तो धरती माँ थोड़ी धस चाली। आज पहली बार हमका लड़की होवे के पछतावा होता। हमरे आँखी के सामने हमार बाबूजी के इतना अपमान हम ना सह पाई, हम ना सह पाई बाबूजी। चुप रहा बेटी, ऐसा मत कह। एहमे अपमान के कौन बात है? शादी से पहले जौन सौदा तय होला उहे तो करत है। जे के आप सौदा का नाम देत पानी ओही के दहेज कहल जाला। शायद ई बात आपके ना मालूम है। अरे जब लड़की पैदा होले तब माई बाबूजी के दिल पर पत्थर रखा जाला। वो दोनों आपन पेट काट काट के एक एक चीज एक एक रुपया पैसा जुटावत जुटावत बूढ़ा हो जाला। और फिर ब्याह में वो सब सामान देवेलन। जब बेटी ससुराल जाले ओकर अर्थी उठे से लेकर ओकर अंतिम संस्कार तक जोन रुपया खर्चा होला ओही के दहेज कहल जाला। मास्टर, तुम्हारी बिटिया तो बहुत बदतमीज बिया। और बात भड़वले में कोनो फायदा नहीं के। आप ब्याह कराई, कल बैंक खुल जाए तो आपके आपके पैसा मिल जाए। तब ब्याहो काले होई। चलो भैया लोग। काल ना, आज ही हमार फैसला सुन ला। तोहरे जैसे कायर और लोभी के घरे के बहू आम कबो न बनब। अरे तू का ब्याह से इनकार करबा, हम खुद इनकार करत है इस ब्याह से। चुप हो जा बेटी, ये का कहत है? नहीं बाऊजी, बोले दे ही आज हमके। ये सब लोग इस समाज के दिमाग बाड़न, यही सब लोग समाज के भीतर से खोखला करत बाड़न, यही सब लोग समाज के दुश्मन हुए दुश्मन। तो के इतना ही पैसा का जरूरत बा तो जा, लाई जा अपने बेटवा के, अब लाई जाके बाजार में खड़ा कर दा, कुछ न कुछ तो जाई जाई। बदतमीज लड़की। बहुत सुन ली, अब ज्यादा बोलला तो दहेज मांगे के जुर्म में सब बरतियन के साथ तोहरा के जेल के अंदर बंद करवा दे। अब राउर भाई यही में है कि यहां से इज्जत से चल जा। जा चला। हे भगवान, अब का हुई? बाबूजी तो चिंता जीन कर, जॉन भगवान हमरे सिर पर मांग बनावले हुए
ओ भगवान, वो मांग के भरे वाला भी जरूर बनावले हुई है। मास्टर जी, तू बड़ा खुश नसीब बाड़ा, जेकरा गौरी जैसन बिटिया हो। हम तो यही चाहते हैं कि गौरी जैसन बिटिया सबके मिले। गौरी? नमस्ते। हेलो। अच्छा और बतावा, तोहर बाबूजी के तबीयत कैसन बा? दो दिन से तो बुखार रहल, अब ठीक बाड़े, कल से काम पे आ जाइए। तू दिन भर का कहलू? दो दिन पहले तो शादी की इंतजार रहल, अब सोचे थे कि का करे। मिल में काम करबू? मिल में हमरे लायक काम मिल जाए? पहले तू मन तो बनावा, मिल में काम मिल जाए। तो ठीक बा, कल बाबूजी के साथ हम मिल में आ जाए, तब बता दी कि का काम करे के बा। अब हम चले थे, कहे कि घर में काम बहुत था। अच्छा बा। नमस्ते। हम भी जाता नहीं। नमस्ते। नमस्ते। आवा। गौरी? हाँ? ई केबिन में आज से तू बैठ। हम? हाँ। और मिल में का होत बा का नहीं, एकर रिपोर्ट सांजी के बाबूजी न तो हम के देबू। लेकिन छोटे मालिक, ये काम तो मैनेजर साहब करलन, ये तो उनका काम हो ना? हाँ, गौरी जूनियर मैनेजर के काम करी है, और इनकर तनखा 2000 रुपए रही। 2000? हाँ, मैनेजर के बाहर आए जाए के पड़ेला, तब मिल में का होत बा का नहीं एकर रिपोर्ट गौरी दी। दीनदयाल तू चिंता जिन करा, एक महीना में तो हम गौरी के ट्रेन कर दे। मैनेजर साहब, हम तो सोचत रहली कि गौरी के ब्याह करी के ओके डोली में बैठा के विदा कर दी, सिर के बोझ हल्का हो जाए। भगवान सब ठीक कर दे हैं, दीनदयाल भगवान पर भरोसा रखा। हेलो, हम ही खरीदा भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा में पहुंच जाए। ठीक बा, फैजाबाद वाली फसल के सौदा आजे करे के होवे, पर आप तो मुकदमा खाते लखनऊ जात बाड़ा। अच्छा, दीनदयाल के साथ जाके आप सौदा कर ली। लेकिन बाबूजी की तबीयत ठीक ना हो, ये कैसे जाइए? तो ठीक बा, हम अकेले चल जाए, केहू के रास्ता दिखावे खातिर भेज दा। छोटे मालिक, ये काम तो गौरी कर दे, वही गांव में हमारे को दोस्त सूरज रहेला, वो आपके हाँ। सौदा भी करा दी, आप गौरी के साथ ले जाइए, बस सब काम हो जाए। रुको रुको मालिक, रुको। अरे कहाँ जा रहा, हम ही चलें। चल जल्दी बैठा। चले मालिक। बाबूजी, ई फसल के दाम 40,000 है, पर ई बाबूजी कहूं और से हमका 42,000 दिलावत बाड़न। ई फसल तो 3 साल से मालिक का खेत में जा था। लेकिन बाबूजी, वो 2000 ज्यादा देत बा। अच्छा तो काका, पैसा का पेमेंट कैसे दिलावत हो? वैसे जैसे सब करेला, 10,000 बयाना, 10,000 गन्ना मिल में पहुँचे पे, बाकी के 22,000 90 दिन के बाद। काका, पैसा एक ही बार में मिल जाए तो कैसन रही? समय बच जाए और पैसा इकट्ठा मिल जाए, तो बेटिया ये गन्ना आप ही के मिल में जाए, और हम ये खेत 40,000 में आपके दे थे। तो ठीक है, अब से ये गन्ना मास्टर जी के मिल में जाए और माल मिले पर पैसा मिल जाए, ठीक है? आवा 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 कैलाश बाबू, आवा बैठा। कैसन तबीयत था आपका? अरे अब का बताए कैलाश बाबू, अरे तनिक सर्दी जुकाम तो रहबे करेला। और बतावा, गन्ना का भाव तय भइल? मास्टर जी, आपके बिटिया तो बड़ी समझदार बा, अरे 42,000 के गन्ना 40,000 में खरीद लेलस। ई गणित हमरो समझ में ना आई, बहुत अच्छा काम कह लिया आपकी बेटी, बहुत अच्छा। अगर ई बात के पता बाबूजी के चली तो हमार पीठ होगी है, और हमरा के शाबाशी दी है कि हम गौरी के काम पे लगव लिया। बस बस कैलाश बाबू, हमका चने की पेड़ पे मत चढ़ावा, नहीं तो हम पेड़ से गिर जाए। सच कहता है, मैनेजर की कुर्सी पर तू बैठ।
बाबूजी, अब तुहार तबियत कैसन हो? बिटिया ठीक हो, माने तनी मनी खांसी आवत हो। चल खाना खाना। ना बिटिया, खाए के मन ना करता। अरे खाई बना तो और बीमार हो जाए। चलो खाना खा लो। बिटिया जी बाबूजी, जब तू छोट रहलू तो हम तोहार बाबूजी रहली, अब हम बूढ़ हो गेली हां तो तू हमार महतारी हो गेलू। मैडम आज के गन्ना के हिसाब का फाइल। एक मिनट, ये फाइल छोटे मालिक के केबिन में दे आवा। वो तो आयल ना हुआ ना। काहे? उनका तबियत खराब है। छोटे मालिक का तबियत खराब हो? और क्यों हम के बतावलेस ना? अरे बाप रे! कैलाश बाबू के हो? हम हई गौरी। का भइल आपके? बुखार भइल बा, बहुत ठंडी लगत बा। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर सिंह बोल रहा हूँ, कैलाश जी से बात हो सकती है? हाँ एक मिनट, डॉक्टर साहब के फोन हो, बात कर सकीला? हेलो, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, रात से बुखार हो, बहुत ठंडी लागत बा, हमके तो लागत हो कि निमोनिया हो गई, आप आ जाते तो बहुत अच्छा हो। मैं इनको दवा दे देता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, कल तक अच्छे हो जाओगे। जी जी ठीक है, नमस्ते। यहाँ बैठो। के माफ करता गौरी, जवन कुछ हम लोगों के बीच में हो गई उमे केहू के दोष न बा। ये गलती का एक ही सजा है कि हम अपन जान दे दी। ना गौरी ना, उसे बढ़कर एक सजा और हुई। गौरी तू कहत रहलू ना कि भगवान लड़के बनावले अवन त ओकरा खातिर एक लड़का भी बनावले। हाँ वो लड़का हम है। गौरी हम तोहरा से ब्याह करब। लेकिन कैलाश बाबू समाज मन का मिलन न देखे। बाबूजी के लंदन से आवेदा, शान से तोहरा घरे बारात आई और पूरे समाज के सामने हम तोहरा मांग में सेनूर भरब और तोहे आपन दुल्हन बनाई के डोली में बिठाई के अपने घरे ले जाए। हाँ पाए लगे। अरे अरे अरे, इका करत हुआ, अब कब आई वो छोटे मालिक? बाऊजी के लंदन से वापस आउते आए,
अपन ख्याल रखा और ज्यादा उदास मत रहल करा। का बताई छोटे मालिक, गौरी के ब्याह का टूटल हमरे भीतर जोन इंसान रहल वो टूट गए। भगवान पे भरोसा रखी, सब ठीक हो जाए और गौरी के शादी का रास्ता जल्दी निकल आए। अच्छा हम चलत बानी। अच्छा बाबूजी हम इन बिटिया अरे उठ चला, 5 बज गए, साग सब्जी खरीदे के हो ना भाई। जी बाबूजी बस एक मिनट। बाबूजी। हाँ बेटी। 2 महीना से ना ही सेठ जी का कोनो खबर और ना ही कैलाश बाबू के, सब कुछ ठीक बाना? अरे एमे घबराए के कौन बात पगली, दोनों जने लंदन गए हवन। भारत आइला के बाद तब फोन करबे करी है, वहाँ एक्सपोर्ट के बहुत बड़ा काम मिलल बा। अगर कोनो जरूरत पड़ी तो कैसे खबर मिली बाबूजी? अरे तो मैनेजर साहब फोन से बात करा दिए हैं। तो चला हम गड़ियन के हिसाब करके आवत हैं बाबूजी। ठीक बा, बाकी जल्दी आई है। कहाँ मिली? भैया ये फोन काहे न लगत बा? फोन खराब बा का? कहवा मिलावे के बा? लंदन। यहाँ से बनारस तो मिलते नहीं खे, लंदन सात समुंदर पार बा, कहाँ से मिली? ठीक। ड्राइवर गाड़ी रुका। अरे कैसे ना गौरी, हम ठीक हैं। गौरी आज हम तोरे घरे आवत रहले हैं, आज तो के बचपन के दोस्ती के हक निभावे के हो। का बात है, हम कुछ समझ ली ना। गौरी हाँ? तू तो जाना था परसों हमारे बहन का ब्याह हो और हमारे पास तनिको समय ना हो, तू हमारे काम करा, ये 2 लाख रुपए ला और हाँ ब्याह की सारी जिम्मेदारी अब तोहरे ऊपर। इतने दिन बाद आईलू हो और अभी ये चल जाइबो। अब का बताए गौरी, जिंदगी की गाड़ी कहाँ रुकी मालूम ना हो। अरे पैसा तो खूब कमा थो, बस ऐसे ही गाड़ी तेज चले दा। गौरी सब काम अच्छी तरह से कर दी हा। अच्छा हम चलत हैं। गौरी बिटिया एक गिलास पानी दे दो। बाबूजी अब कैसन तबियत हो? बड़ी कमजोरी लागत है बिटिया। का सोचा था बिटिया? बाबूजी आज हम रास्ते में आवत रहली तो हमके सन्नो मिल गई, ओकरे बहन की शादी है ना परसों, यही खातिर हमके 2 लाख रुपया दे हलस और वो कहत रहली कि वो शादी में न आ पाई, शादी का सारा देखभाल हमनी के करे के पड़ी। ठीक बा बिटिया, परसों ऑफिस हम ना जाए, दोनों जने मिलके ब्याह के तैयारी कर जाए। गौरी बिटिया गौरी का भाई, अरे तने कोई पानी लावा हो? अरे ये का भाई गौरी, हम ठीक बानी, बस 2-4 दिन से चक्कर आवत हूँ। चलो भाई जी के दिखा दें। ना हम कल जाके वैजी के दिखा ले, हम चलत हैं। नमस्ते वैजी। हाँ बेटिया तारा के कौन तकलीफ बा? वैजी 2-4 दिन से चक्कर आवेला, कमजोरी महसूस होला और ऊपर से उल्टी हो जाला। हम्म का बात हो वैजी, बताई ना हमके का भइल हो?
कोनो बीमारी हो का? का बताएं बिटिया, तू तो माँ बनने वाली हो। घोर कलजुग आ गई बा, दीन दयाल के बिटिया माई बनने वाली हो। बिना ब्याह के कैसे माई बन गई दीन? हमारी बिटिया माई बनने वाली है का? ये सब ना हो सकता। कौन पाप कहले रहा दीनदयाल? घर में ऐसा बिटिया जन्म लेलस का पता कितना आशिक एकर बाड़ेन। हाँ भाई, हमारे घर के बहु बेटे के ऊपर एकर गलत असर पड़ी। पता न केकर पाप एक एक कोख में पलत हवे। दीनदयाल के बिटिया के गांव से निकाल दा। ठीक कहत बा तू। अब तो नाम दे ले जतराली, लेकिन इतना डाइन निकलन। अच्छा तबे दहेज के बहाना बना के बारात भागा देल। पंचायत नहीं एक तो पत्थर मार मार के जान से मार देवे के चाहिए। अंदर कहाँ जात हो? कैलाश बाबू से मिले के हो। छोटो मालिक ना हुए ते सब गाड़ी के करहौ। बड़े मालिक के दोस्त आयल बाड़न, रात भर आई जा रही के सुबह चल जाई हैं। बड़े मालिक का दोस्त? हाँ, दो चार महीनों में आई हैं। उनके रह पे केहू आ जाई ना सकत। तू यहाँ से जा, कोई आज जात हमारा साथ देख ली है और हमार शिकायत कर दी तो हमार नौकरी चल जाए। तू जात काहे नहीं आ? हमार मुंह का देखा था जानो ससुरे। आवा रानी आवा, ये रंगीन सुहानी रात में तुहार स्वागत पा। ई केहू? ई कवन तरीका बा अंदर आवे का? त गंगू झूठ बोलस कि आप यहाँ ना हो। हम मना कैले रहली। अब समझ ली कि तोहर का मतलब हो। हम तो एक गेट से भगा देलो रहले। अब तू जा, काल सवेरे आई है। अब समझ ली कि तोहर का काम है। हमरे बाबूजी के देहांत हो गई, हमारा भी दुनिया में क्यों ना हो, क्यों ना हो। हम कहली ना ये बात काल होई। अब तू जा। हम कहां जाई? गांव वाले हमका घर से बाहर निकाल दे ले। तो के सुनाई नहीं खे पड़त? हम कहली ना कि ये बात काल होई। अब तू जा। कहां जाई, केकरे यहां जाई? हमार तोहरे सिवा ई दुनिया में केहू ना। दुनिया हमसे हमार बच्चे के बाप के नाम पूछा था। हम केकर नाम बताई? का सबूत हो कि बच्चे का बाप हम है? हाँ का? अब आपके सबूत देवे के पड़े कि ये बच्चा आपका हो? What nonsense? कैलाश, ये का कहते हो? She's mentally disturbed. एकर दिमाग खराब हो गई बा। Listen, Mr. कैलाश, I'm not mentally disturbed and I'm not mad. हम तोहार बच्चे के माँ बने वाली हैं और तू हमके पागल कहता हूँ? कंगू जी, एक थक्का मार के घर से बाहर निकाल दा। हो मालिक। अरे चलो बाहर, चलो। ऐसे नहीं न्याय मत करी कैलाश बाबू। अब तो हर सिवा हमारे दुनिया में क्यों ना? हम यहाँ से ना जाए। राय, अगर इनका तुरंत अबॉर्शन नहीं हुआ तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना ना डॉक्टर साहब, कौनो तरह आप इनकर जान बचा ली। हमरा आखिया में झांक कर देखी ना, हम कितना दुखी है। गौरी बेटिया, कैसा हाल चाल है? अरे ना ना ना,
ना उठने की कोशिश मत करा, उठने की कोशिश मत करा। अभी तो हर तबीयत ठीक नहीं है। हम यहाँ कैसे आईली? अरे का बताई बचवा, भगवान जैसे तोसे रूस गईल हाँ। पहले पहले तोहर बाप के देहांत हो गईल, फिर गांव वाले तोहके बाहर निकाल देलन, और अब तोहर बच्चा का भइल हमरे बच्चा के? हमरा बच्चा का भइल? तेरे मामा एक्सीडेंट में तोहके चोट लगल, और डॉक्टर साहब कहलन कि तोहर बच्चा गिरावे के पड़ी, न तो तोहर जान के खतरा बा। नहीं, नहीं। अरे वो तो अच्छा भइल कि हम जीप पर चढ़ के आवत रहनी है, न तो तू सड़क पर गिरल गिरल पड़ल पड़ल तोहर का हाल होत। वो डॉक्टर साहब कहत रहलन कि तू 2-3 दिन में तू बिल्कुल ठीक हो जाइबू, और जब तू ठीक हो जाइबू ना तो हम तोहके एक ऐसन देवता जैसन आदमी से मिलाई कि तोहर सारा दुख फटाफट दूर हो जाई। प्रणाम ठाकुर साहब, गमछा बिछाई के। कसरा कल्लू, का हाल बा? गौरी, एह गांव में कहां तवा चढ़ल बा और कहां चूल्हा नइखे जलत इनका पूरा पता बा। अरे औरतन के इतना मदद कैले हवन, इतना मदद कैले हवन कि हम का बताएं भाई। औरतन के मदद खातिर, नारियन के मदद खातिर ई नारी कल्याण केंद्र चलावत हवन। और तो और ई तोहार अस्पताल के खर्चवा है ना? हाँ ना, अरे यह देने हवन ना। सरकार की गौरी है गमछा बिछा के। नमस्ते। हमरे बारे में सब बता चुकला, अब इनका जनाना कमरा में भेज दा, नहाए धो के तैयार हो जाए। जी। कल्लू, जितना कहले रहला ये तो उहू से ज्यादा खूबसूरत चिड़ई हो। अरे सरकार, ये हीरा बा हीरा, एकदम बेसहारा, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। अरे हुजूर, एक बार स्वाद ले ली ना तो जिंदगी भर ना भूलब। दिल तो इनका चखे बिना ही दीवाना हो गईल, आज तू हमके खुश कर देला। इला तहार इनाम ले, 50,000 रुपया। अरे सरकार, हम कबहू आपसे सौदा कैले हैं। अरे जौन कुछ आप देले हैं हम ओके प्रसाद समझ के निकल गए हैं। सरकार, आप तो हमार अन्नदाता हैं, हम आपके जुत्ता के सहारे जियत हैं, फिर हमका कौन फिकर बा गमछा बिछाई के। आज का रात यादगार रात रही। ठाकुर साहब, आप ई कमरा में? हम सोचत बानी ये भाग्य लिखे वाले भगवान का एक भोली भाली सीधी साधी सुशील लड़की पर इतना कहर, ये भगवान का तो अन्याय हो, अन्याय। और ठाकुर साहब, सही माना कि भगवान पर हमके बड़ा गुस्सा आता हो। हाँ ठाकुर साहब, एमे तकदीर से अधिक दोष हमार हो, भगवान का दोष ना हो। न हम अपने प्यार पे भरोसा करती और न शायद आज तकदीर हमरे साथ। चुप हो जा, वो तो बहुत ही कमीना गंदा खून का औलाद होई, जे त्योहार जैसन सीधी लड़की के बिना ब्याह कैले माँ बने पर मजबूर कर दे। लेकिन ठाकुर साहब, हम ओके छोड़म ना, या तो वो हमरे साथ शादी करके हमके अपनाई, नहीं तो हम ओकरा के। जायदा जायदा, अब अधिक सोचे का जरूरत ना बा, हम बानी ना, हम तो रह के दुनिया के हर सुख देव, मोटर गाड़ी घर द्वार और। लेकिन
कल्लू मामा तक कहत रहले कि आप हम के नारी कल्याण केंद्र में काम पे रखबा। हाँ वो ठीक कहलस, लेकिन गौरी नारी कल्याण केंद्र में वो नारी भेजल जाली जेकर कोनो कीमत ना होखे। तोहार तो कीमत बहुते बा, जे हम कल्लू के दे चुकल हैं। का काला ठाकुर साहब, कल्लू मामा हमार मोल कहिले हम के बेच देलन। हाँ मात्र 50,000। पचास हजार? हाँ लेकिन बहुते कम दाम लगा लस। अरे ई गदराइल जवानी, ई बाका हुस्न, सच माना तो हमार नजर में ई जलवा का कीमत 50,00,000 भी कम हो। गौरी हम पर यकीन करा, ई रकम हम दे सकीला। हम बिके वाली ना हुई, वो दूसर तरह की होली। अरे ओ छोकरी, ज्यादा नादान मत बन, हमू ठाकुर हैं जो तोहार जिंदगी संवार दे। ठाकुर साहब हमके छोड़ दे, जाए दे। अरे के बा घर में पगड़ी छोकरी के जाए के ना चाही पगड़ाई चिरई के। अरे का भाईल हो, कहा भागत पड़ू। अरे रुका रुका हो कहा। अरे 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 कहाँ है? पंडित जी भगवान के दर्शन कब हुए हैं? बस बचवा थोड़ा और इंतजार कर, आज का दिन ठाकुर साहब के बेटा के जन्मदिन है, पहले उन्हीं दर्शन करी है, समझला? आई आई ठाकुर साहब। सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वादशादि के शरणे तम्बे की गौरी नारायणी देवी भगवती शारदा मोहाया महामाया नमस्तस्यै नमो नमः। बाप बेटा हमेशा सुखी रह। हे प्रभु बड़े सरकार और छोटे बाबू के ऊपर अपन कृपा दृष्टि, अगर ठाकुर साहब जैसन श्रद्धालु ना रही हैं तई पृथ्वी पर धर्म की रक्षा ना हो सकेला। प्रणाम पंडित जी। ठाकुर साहब के जय। छोटे मालिक के जय। ठाकुर साहब के जय। छोटे मालिक के जय। ठाकुर साहब के जय। छोटे मालिक के जय। ठाकुर साहब के जय। अब आप लोग दर्शन कर सकेंगे। अरे अरे ये लड़की के देखा कहो के लेके
गौरी, 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 हम दोनों बाप बेटा के अच्छी तरह जानिला, दोनों अधर्मी हवन, पापी हवन, बाप पैसा दे के जवानी खरीदेला, और बेटा, बेटा प्रेम के ढोंग रचाई के भोली भाली लड़कियन के फसावेला, ये धोखे भर नहीं, ना जाने कितनी लड़कियन के ऐसा ही धोखा दे चुका हो। उ दोनों के मंदिर में देख हमके नफरत हो गई, हम उ दोनों से बदला जरूर लेब। शन्नू, तू जहाँ काम करेलू हमें वहाँ काम मिली का? हम जौन काम करेला भगवान करे वो तू का, दुनिया का कौनो औरत ना करे। ऐसन मत का सन्नो, तू ऐसन का काम करेलू? हम अपन शरीर बेचेला, तू ता जाने लू गौरी, घर में माई हो, दो छोटे भाई हो, बहन हो, ना छोई कल्लू मामा के, हमके काम का बहाना करके यहाँ ले आई, और यहाँ यहाँ ठाकुर के हाथे हमको बेच देलत। उ दिन से आज तक हमार रोज सौदा होला, रोज। लेकिन हाँ, अब इतना पैसा कमाई ले ली कि केहू के बिके की जरूरत ना पड़ी। सन्नो, सच में तू बड़ा बलिदान कैलू अपने परिवार के खातिर। हाँ हाँ गौरी, हम हमार परिवार का खुद के बड़ा बेटा समझीला। अच्छा हमार छोड़ा, अब तू बतावा तू का करबू? हम बदला लेना चाहते सन्नो, सन्नो तू हमके ऐसन काबिल बना दे कि हम उ दोनों बाप बेटा के तबाह कर सके। ये दुकान लखनऊ शहर के शान बा, यहाँ तो सब सामान मिल जाए। पर सन्नू, हाँ यहाँ तो सब बहुत महंगा लागत बा। अरे नहीं, अब तो है दिखावत है। अरे गौरी, ये देख, ये ड्रेस तो तोरे ऊपर खूब जमी। अच्छे, अरे इतना छूट? अरे तो का भाई, तू भी ना चल। अरे चल चल सन्नू। हाँ, ये बोलत का है नहीं खे? गौरी तू भी ना, ये पुतला है पुतला। अब चला यहाँ से सामान लेके, हम तो है ऐसन बना दे कि ठाकुर भी बोर आ जाए। चला इले। कितना भाई? 2990। गौरी जरा पकड़ तो। ₹3,000, ₹10 तो हर बख्शी। धन्यवाद। चल जस साहब, ठाकुर साहब का मन है कि नारी कल्याण केंद्र का अध्यक्ष पद आपो संभालें। ये हमारी इच्छा नहीं, हमारा आपसे विनती है। आपसे ज्यादा मजबूर, बेबस और गरीब औरतन के दुख दर्द और के समझ सके भाई? ये तो बहुत पुण्य के काम है, लेकिन हम सिर्फ रविवार के समय दे सकेला। हाँ हाँ ठीक है, बीच में कौन बात होए तो है ना वकील साहब, उपाध्यक्ष सब संभाल लिए। लेकिन हुजूर, जो फैसला होए आपे के मर्जी से होए। देखा वो कुत्ता तो के कैसे देखत बा? जोन कुत्ता हड्डी देखेला वो कुत्ता हड्डी पे से नजर ना हटावेला। अच्छा ठाकुर साहब, अब हमके इजाजत दे, हम जज साहब को छोड़ आए चलें। हेलो शन्नो। हाय ठाकुर जी, आपकी तारीफ। ये ज्योति हो, बंबई से आयल बा, और ये हमार ठाकुर साहब, इस शहर के जाना माना रईस, नसीब वाले ही इनका साथ हाथ मिलावेलन। हेलो। हेलो, आपको देखकर ऐसा लगा कि मैंने पहले भी कहीं आपको देखा। शायद आपने कोई मेरी तस्वीर देखी होगी। ये मर्डर हो ना? अच्छा अच्छा, हो सकता है, हो सकता है। एनीवे, आप ठहरी हुई कहाँ हैं? फिलहाल
हाल तो ही हमरे संग रहे लेन और दूदू कंपनी का ऐड भी करे थे। ओह फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हम भी चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के एड्स करें। I'm sorry, मेरे पास समय नहीं है। Actually, मैं पहले से ही दो एड फिल्म कर रही हूँ। हम इन सबसे ज्यादा रकम आपको देंगे। मैं पैसों के लिए काम नहीं करती ठाकुर साहब, मैं अपने शौक से काम करती हूँ। आप एक बार हमारे साथ काम करके तो देखिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं हम आपको सबसे ज्यादा पसंद आएंगे। हम ठाकुर हैं, हमारे यहाँ 80 साल का आदमी भी 20 साल के लड़के से कम जवान नहीं होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। चले शन्नो। ए शन्नो, एक एक कोनो बहाने पटावा, हमार दिल एकरा ऊपर आ गई हो। ठाकुर साहब वो मॉडल हो, हमरी तरह अपन जिस्म ना बेची। गौरी ओ सॉरी ज्योति, हमका लगा था कि ई ठाकुर हाथ हो के तोहर पीछे लगल बाड़न। हाँ शन्नू, जब लोहा गरम हो तभी हथौड़ा मारे के चाही। हम देखा था ही। तू बैठा, हम देखा था ही। ओ ठाकुर साहब आइए आइए बैठिए आइए ना। इस घर में घुसते ही एक अजीब सा सुकून मिला। वेलकम ठाकुर साहब, बैठिए ना। शुक्रिया शुक्रिया। ये लीजिए आपसे मिलने का नजराना। ये क्या है? हमारी मुलाकात का पहला नजराना। बात करने की कीमत, जितना चाहो भर लो। लगता है आपसे बात करनी ही पड़ेगी। शन्नू हाँ, तू जरा कमरे में जा, हमें ठाकुर साहब से कुछ बात करनी है। जरूर। हम आपके जज्बातों को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं वो हम नहीं दे सकते। हम यहाँ के ठाकुर हैं ठाकुर, जिस चीज को चाहते हैं अपना कर ही छोड़ते हैं। हमका तो उसे मोहब्बत हो गई है। मुझसे शादी करोगे? शादी करोगे? शादी करोगे? मुझसे शादी करोगे? शादी करोगे? अरे का भाई मालिक गमछा बिछा के चला जाए यहां से। हम कहते चल जाए यहां से। जाते ही गमछा बिछाई के यो छूट गई। आज मैं तुम्हें जिंदगी की एक सच्चाई बताता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको सबके सामने ऐलान करना होगा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। शर्त मंजूर है? ठीक है, हमें शर्त मंजूर है। कल एक शानदार पार्टी होगी जिसमें शहर के नामी गरामी लोग मौजूद होंगे।
और उस पार्टी की देखभाल मेरा इकलौता बेटा कैलाश करे। चीयर्स। अरे कैलाश एक बात बताओ, तुहार पिताजी ये उम्र में शादी करे के सोचत हवन? अरे ये तो हम ठाकुर लोगन के शान हो, आज से थोड़ी हमरे दादा परदादा दद्दा सौरत रखत रहलन। लेकिन हमरे समझ में ये बात ना आवत हो कि बाऊजी केकरा के अपने गले के घंटी बनावत हो। मुबारक हो ठाकुर साहब। लेकिन ठाकुर साहब ऊ कहाँ बा जे आपके दीवाना बना दे ले बा? ऊ जब आई ना वकील साहब तो ये महफिल में रौनक आ जाए। देखा आ गई। वाह का पसंद है ठाकुर साहब, का पसंद है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। खास दिन खास लोग तो तैयारी करनी ही पड़ती है। आइए हम अपने कुछ खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। ये हमारे खास दोस्त वकील साहब मिस्टर सिन्हा। नाइस टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच। कैलाश जी, ये है हमार दिल का टुकड़ा, हमारे इकलौता बेटा कैलाश, और ये है हमार होने वाली वाइफ ज्योति। मिस्टर कैलाश। हाय। नाइस टू मीट यू। बेटा हाथ तो मिलावा, ये तो हर माई हो। ओए वाले। लगता है ठाकुर साहब आपके बेटे को हमारा अंदाज कुछ पसंद नहीं आया। ये तो बहुत बड़ा एक्टर है, अपनी भावनाओं को दबाना इसे अच्छी तरह से आता है, क्यों बेटा? जी बिल्कुल। जब दिल में गम होता है ना मिस्टर कैलाश, तो चेहरे पर हंसी अच्छी नहीं लगती, लगता है आप। अच्छा, तुम दिल की बात भी पढ़ लेती हो। दिल की भाषा ही तो औरत की भाषा होती है। दिल से अगर किसी के लिए दुआ निकले तो जिंदगी स्वर्ग होती है, और अगर बददुआ तो जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। वाह वाह, क्या शायराना अंदाज है। इसमें थोड़ा सा सुर और संगीत भी मिल जाए तो सारी महफिल में रौनक आ जाएगी। आधा बर्ज है। एक नाटक रचीले पड़ू। एक जिम्मेदार तू हो, हम कहत बारी अपने पिताजी से कह के हमरे साथ ब्याह कर ला। अभी समय हो, जाकर अपने पिताजी से सब कुछ कह दा। ये कभू ना हो सकेला। तो ठीक हो, हम तोहर उ हाल करब जौन तू हमार कैले रहला। हम तोहके कहीं के ना छोड़ब। बेइज्जत लड़की, तू अपन औकात दिखा देलू। बेइज्जत हम नहीं, तू हो, तू अपन जात दिखा देला। अब हमार बात ध्यान से सुन ला। अगर तू हमके न अपनाइब तो हम तोहरे बाप के साथ ब्याह कर ले। कमीनी! हाथ नीचे रखा कैलाश बाबू, नहीं तो तोड़ के जेब में रख दे। कमीनी कहला, अगर हम कमीनेपन पर उतर जाब तो तू बर्बाद हो जाइबा। यहाँ सबके चिल्ला चिल्ला के कह दे कि हम तोहरे बच्चा की माँ हई, तू बाप बिटवा केहू के मुंह दिखावे लायक न रहिबा। अब सोच ला, हमके हमार अधिकार देबा कि नहीं, नहीं तो माँ कहे खातिर तैयार हो जा। हाँ हाँ ठीक हो, तू चेक भेज दे, हम साइन कर दे। आज हमार तबीयत ठीक नहीं बा, आज हम ऑफिस ना आए। का बात हो बेटा, तोहर मुंह काहे उतरल हो, रात भर सुतला ना का? बाऊजी हमरा के आपसे कुछ बात करे का है। हाँ हाँ कहा। बाऊजी आप ही शादी मत करा। बेटा तू चिंता काहे करत बाड़ा, वैसे हमार जितनी जायदाद हो वो सब तोरे नाम पर कर दे ले हैं।
और वो सिन्हा साहब के लड़की से तुहार शादी के बाद उन्हों की सब जायदाद तोरे हुई। वो बात ना हो बाऊजी, ज्योति अच्छी लड़की नहीं के। तू ओके जाने ला? नहीं, वो लोग कहत रहलन की वो सब ऐसे ही कहत रहला। बाऊजी समझे की कोशिश करा। हम सब समझीला, यही के खातिर तोहे जवान होते हम अलग बंगला दे देली, प्रॉपर्टी तोरे नाम कर देली, ताकि तू आपन जिंदगी जिया और हम आपन। कल हम दिल्ली जात हई, लौटे के बाद हम ज्योति के साथ ब्याह करा, और तोके वो ब्याह में जरूर शामिल होए के पड़ी। पूछे के रहने की तू कुशल मंगल बाडू नू? तो ऐसे का मतलब? बस ऐसे से गुजरत रहनी है तो सोचनी जरा तोहार खोज खबर ले ली गमछा बिछाए के। शन्नो ई कमीना के अंदर मत बुलावा, सुन लेला ना, अब जा यहाँ से। अच्छा कहलू ओके भगा देलू। हम वो कमीना के देख के आवत हई, लाती कबूत बात से न मानी। का ज्योति देवी मार माई ना रखेल बनबू, चला तोर ही नाटक अपना चले। का ज्योति देवी न, तू तो गौरी देवी हो। छोड़ हमरा के, रुक जा, रुक जा। रुक जा, तो हम तो होके गोली मार दे। काम खत्म हो गए गौरी गौरी, मगर वो पापियन की सजा जरूर दिया। इकट्ठा करी ऐसा सबूत इकट्ठा करी कि कम से कम 13 साल के सजा हो के। कैलाश बाबू चिंता मत करें, हम ही ना। आई हुजूर आई, सरकार आई आई पधारी, आई आज रउआ अपन टेंशन दूर करी। रउआ अपन टेंशन दूर करके इसके दुनिया में घुस जाई। अरे चुटकी बाई आई, त्रिकधा 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 गमछा बिछाई के। ठाकुर साहब सारा रिपोर्ट हम खुद देखले बाड़ी, इतना ठोस सबूत बा कि ज्योति के बचब मुश्किल बा। लेकिन वकील साहब जमानत पर तो छुड़ावल जा सकेला? प्रोविजनली यानी हफ्ता 10 दिन खातिर, लेकिन ठाकुर साहब ओहू खातिर ऊपर से नीचे तक रिश्वत देवे के पड़ी। 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 कितना लागी बोला, हम देव। चला तो हर जमानत हो गई।
ठाकुर साहब, पूछताछ के लिए ज्योति हमेशा हाजिर रहेगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसकी जमानत दे दी है। मैं ज्योति का जमानतदार, और जब तक कोर्ट इस मुकदमे का फैसला नहीं सुना देती, ज्योति मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। थैंक यू। शुक्रिया वकील साहब। जी कोनो बात नहीं। चला आओ, बात थक गई होगी, जा नहा धोकर तैयार हो जा। जी। ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब, ये का कहनी हा, वो चुड़ैदिया के जमानत कहनी हा, हम तो कहत नहीं। बस बस चुप हो जा, ये ले, आज हमारी जिंदगी का बहुत खुशी का दिन है, तू भी मजा करा। ओहो, अरे ठाकुर साहब, आप जेके बचावे चाहत है ऊ तो अब का बताई ठाकुर साहब। अरे तू तो निरा पागल है कल्लू, पागल। अरे ओसे तो हम अपना दिल का प्यास बुझाए कल्लू, प्यास। जेकर खिलाफ तू गवाही देवा ना, उहे यहां तो का नरक में भी जगह ना पाई। आज तो कयामत का रात हो, कयामत का। ओकर गदराइल जवानी। हम दिखावत है अपन गदराइल जवानी। अरे कल्लू मामा, ना मारा मत, ना तो हम मुंह जाए, ना मनबू ना मनबू तक कोई बात नहीं खे। कहां भागत बाड़? ज्योति, इस इस सब क्या है? ज्योति नहीं, गौरी। उहे गौरी जेका ई कमी ना तो के 50,000 में बेच देलस। आज तोहार अंत हो ठाकुर। और हाँ, मरे से पहले एक बात और बतावत है, हमार तोहार रिश्ता कोई पति पत्नी का नहीं, बल्कि ससुर और पतोह के हो। ये सब का बकत बाड़ू? धीरज रखी ससुर जी, हम तोहरा के सब बतावत हैं। पहले अपने लायक पुत के फोन त लगावा। बैठा, फोन लगावा। हेलो। हेलो। हाँ कैलाश बेटा। जी बाबू जी। जल्दी घर आ जा बेटा। जी आवत है। देखा ज्योति? ज्योति नहीं, गौरी। हाँ हाँ गौरी, हम तो हर काम कर देली, अब हमका छोड़ता। हाँ ससुर जी, हम तो हर विदाई तो करत हई। अरे गौरी, ई का कर देलो? बाऊजी, बाऊजी, बाऊजी कहाँ हुआ?
हम गौरी, उहे गौरी जो तोहार बीवी बने के सपना देखत रहल, उहे गौरी जे तोहरे मान मर्यादा खानदान के बड़ाई का सपना देखत रहल, और तू ओके खानदान को मिटावे वाली बना देला। देख गौरी, तू ऐसा ना कर सकीला। अरे गौरी, तू हमरा से, हम तोहरा से प्यार करीला। कितना कमीना आदमी हो तू, तोहार तो कोनो ईमान ही नहीं हो। कल तक तो कहत रहल कि हम तो के बर्बाद कर दे, हम तो के कहीं के ना छोड़ब। गोली मारे शन्नू के घर तक पहुंच गईला, और आज तो हमसे कहत हुआ कि तू हमसे प्यार करेला। हमका माफ करदा गौरी, देखा एकर बदले तू हमके जवान सजा देबू, वो हमके मंजूर हो। सजा तो हम तोके गिन गिन के देब, बाबूजी का मौत के खातिर, शन्नो के बलिदान का खातिर, नारी के अपमान का खातिर, ई हमके कुवारी माँ बना के धोखा दे के खातिर, और ई तोहरे जैसे इंसान का भगवान कबो मुक्ति न दे इकरा खातिर। इंस्पेक्टर साहब। हाँ जी। हम गौरी बोलत बानी, हम ठाकुर शमशेर सिंह के घर से बोलत हैं। हम सन्नो का खून तो ना कैली, पर हम ठाकुर शमशेर सिंह के घर पे तीन खून जरूर कैली हैं। आप यहाँ आके हमके गिरफ्तार कर ले ही। हमार नाम राहुल है, तोरे ही हालत के जिम्मेदार हम है। हम कुछ समझ ली नहीं गौरी। हम उहे राहुल है जेकरे साथ ब्याह हो के रहल। हम बनारस से बारात लेके तोरे घर आई ली, लेकिन पिताजी की वजह से हमार तोहार ब्याह ना हो सकल। एकरे खातिर हम तोरे से माफी चाहत है। अरे नहीं, इमे राउर के कोनो दोस्त नहीं, जोन हमरे तकदीर में लिखा रहल वही बहल। अब आप यहाँ काहे खातिर आए लाई? पिताजी की वजह से जवन पाप भाईल रहे उही की सजा भुगते के खातिर हम तोहार केस लड़ब। हम अदालत से कम सजा की दरखास्त करब। हम गुनाह करे बाड़ी, अदालत से हमका सजा जरूर मिले के चाही। हम खून कर ले है खून। हमके सब मालूम हो गौरी, तू ना जानत हो कि तोह से बिया ना भाईले के बाद हमरे ऊपर का गुजरा। पिताजी के जिद पे हम दिल्ली वकालत पाड़ ली, और इहर बाबूजी के दिल के बीमारी रहल, वो हार्ट अटैक से मर गईलन। वापस लौट के हम तोहे से मिले तोहरे गांव गाइली, तू वहां ना मिलूलू। सुबह पेपर पढ़ ली तोहरे ऊपर का गुजरल सब मालूम पड़ा। गौरी हमके एक मौका दो, जवन गलती हमार पिताजी कैले रहलन वही गलती के पश्चाताप हम करे चाहत हई। गौरी अभी अकेल तोहर लड़ाई ना, अब मैं हमू शामिल हैं। हम तोहार केस लड़के तोके कम से कम सजा दिलाए, बस इसका किस पे साइन करता।
फांसी 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 जज साहब, चन्नों के खून के अलावा जो 3 खून और इसने किए हैं कानून के इतिहास में, फांसी के अलावा और कोई सजा नहीं है जो इस खून की प्यासी कातला को दी जा सके। सजा है योनर, फांसी से भी ज्यादा सख्त। एक और सजा है जो फांसी पर लटक कर भी एक बार मरने के बजाय इंसान बार बार तड़प तड़प कर जीता रहे, तड़प तड़प कर मरता रहे, जिस तरह यह बेचारी बार बार जीती रही, बार बार मरती रही। कैलाश ठाकुर और कल्लू, जिनके खून का इल्जाम गौरी ने कबूल किया है, वो तीनों कातिल थे। उन्होंने 3 खून किए थे। ऑर्डर ऑर्डर। उन खूनों को साबित करने के लिए मैं 3 गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योना। मेरा पहला गवाह है कैलाश का नौकर गंगू। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। हम गीता पे हाथ रखकर कसम खाते हैं, हम जो कुछ भी कहें सच कहें, सच के अलावा कुछ नहीं बोलो। गंगू, अब तुम्हारा मालिक कैलाश मर चुका है, इसलिए सच सच कहो कि उसने गौरी के साथ क्या चाल चली थी। जो साहब, कैलाश बाबू बहुत अय्यास आदमी रहे। बेचारी गौरी के बीमारी के बहाने बुलाई के कुंवारी गौरी के मां बना दिल। कल्लू के कहने पर मैंने गौरी के बच्चे को गिरवा दिया था। आई एम सॉरी। जिस पिस्तौल से शन्नू मारी गई वो पिस्तौल कैलाश का था। उस पिस्तौल पर गौरी के अलावा कैलाश के फिंगरप्रिंट्स भी थे। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट इसकी गवाह है योनर। योनर, शन्नू का असली कातिल कैलाश था। योनर, मेरे तीसरे और आखिरी गवाह हैं एडवोकेट सिन्हा। जज साहब, ठाकुर साहब ने लाखों रुपए खर्च करके गौरी की जमानत सिर्फ इसलिए कराई ताकि वो अपनी हवस पूरी कर सके। या ऑनर, कैलाश कातिल था गौरी की मासूमियत का, जिसने उसे कुंवारी मां बनाकर छोड़ दिया, जिसकी वजह से गौरी के पिता दीनदयाल की हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। कल्लू कातिल था उस बच्चे का, जिसका पैदा होने से पहले गला दबा दिया गया था। और ठाकुर कातिल था नारी की इज्जत का, नारी की मर्यादा का, जो दौलत के नशे में नारी को सिर्फ वासना का पुतला मानता था, वासना की कठपुतली मानता था। कानून उन लाशों को देख सकता है जिनके शरीर में गौरी ने गोलियां मारी हैं। क्या कानून उन नश्तरों को देख सकता है, उन घाव को देख सकता है, उन जख्मों को देख सकता है जिसकी वजह से गौरी एक बार नहीं बल्कि बार बार मरती रही है, बार बार जीती रही है, मरती रही है। इंसाफ की मूर्ति के हाथ में तराजू देके उसके आंखों पर पट्टी बांध देने से इंसाफ अंधा नहीं हो जाता। इंसाफ करने वाले के दिल में भावनाएं होती हैं। वो कठघरे में खड़े मुजरिम को उसके दर्द को महसूस कर सकता है। मैं इंसाफ करने वाले के दिल से अपील करता हूं कि वो गौरी के जख्म को महसूस करे, उसके घाव की चुभन का एहसास करे। गौरी का जुर्म दिखाई देता है इसलिए उसे सजा दी जाएगी, लेकिन उन दरिंदों का जुर्म इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि ताकत और दौलत के चादर में चालाकी से उन्होंने अपना जुर्म छुपा लिया है।
योर ऑनर, गौरी ने कत्ल नहीं किया बल्कि एग्जीक्यूट किया है। सजा दिया उन मुजरिमों को सजाए मौत। गौरी ने एहसान किया नारी जाति पर, उन मासूम बहनों पर, उन मासूम बेटियों पर जो कैलाश कल्लू और ठाकुर के हाथों से उसी जुल्म के शिकार होती जिसका शिकार गौरी हुई है। या ऑनर, कानून गौरी को जो भी सजा दे लेकिन मैं इन्हें देवी मानता हूं। देवी, आई सलूट हर, आई सलूट हर। गौरी का जुर्म संगीन है पर इसके साथ जो हुआ है वो वाकई जुर्म से ज्यादा संगीन है। यह अदालत गौरी को 3 साल कैद की सजा सुनाती है और सरकार से गुजारिश करती है कि वो गौरी से रहम से पेश आए। यह कानून में और मजबूती लानी चाहिए ताकि आज की नारी आजादी से और इज्जत से जी सके। दैट्स ऑल, थैंक यू। गौरी, हम पर एक एहसान कर तू। गौरी, अपने मांग में हमरे नाम का सिंदूर भरे दा। आज से तू हमार दुल्हन हो। जेल में हम तो से मिले आवत रह, बस 3 साल की बात है। सजा पूरी भाईले के बाद हम जेल के दरवाजे पे तोहार इंतजार करब। सजा पूरी होते तोहार डोली अपने घर ले जाब और तोके अपने खानदान की बहू बनाए।